जेई मेन 2020 में 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? मिथेनॉल, फिनॉल, पैरा इथॉक्सी फिनॉल। क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक बार उन्होंने फिनॉल के COH बॉन्ड को सबसे छोटा कहा है, एक बार मिथेनॉल के बॉन्ड को सबसे छोटा कहा है, एक बार पैरा इथॉक्सी फिनॉल के बॉन्ड को सबसे लॉन्गेस्ट कहा है, फिर एक बार मिथेनॉल को लॉन्गेस्ट कहा है, एक बार फिनॉल को लॉन्गेस्ट कहा है, ऐसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाया इन तीनों का। जरा देखते हैं, आप देखें जरा, अगर मान लो हमने लिया है फिनॉल, राइट, तो इस फिनॉल में COH बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देख लो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसमें कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है जरा देखो। ये COH जो सिंगल बॉन्ड था वो कई बार डबल बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रिंग के ऊपर। ये नेगेटिव जब यहाँ बॉन्ड बनाने को आएगा तो अगला बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव हो जाए, कहने का मतलब इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये मतलब सी सिंगल बॉन्ड OH जो ओरिजिनली था वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि आउट ऑफ हाउ मेनी RS इन हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट विल रिमेन लाइक ए डबल बॉन्ड, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पर भी ये OH है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब की बार फिर से जब स्ट्रक्चर बनेगी तो अब की बार ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लोन पेयर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसके ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्योंकि रेजोनेंस में है, इसलिए ये जो C सिंगल बॉन्ड O है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड नॉर्मल C सिंगल बॉन्ड O से थोड़ा छोटा हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, रेजोनेंस खूब जबरदस्त हो ही रही है। मिथेनॉल और एक पैरा इथॉक्सी फिनॉल की बात कर लेता हूँ। पैरा इथॉक्सी फिनॉल और फिनॉल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जिस समय फिनॉल को PDCH की वजह से सी सिंगल बॉन्ड ओ में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया और डबल और सिंगल बॉन्ड की लंबाई थोड़ी कम हो गई, उसी समय इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल कर रहा है, तो रेजोनेंस का एक्सटेंट उतना अच्छा नहीं जितना इसमें था, इसका इलेक्ट्रॉन फ्रीडम के साथ पूरे रिंग पे घूम रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को OET के प्लस M की वजह से रिपल्शन मिल रहा है, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दिस COH बॉन्ड ऑल्सो, बट दिस COH बॉन्ड इज लिटिल लॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस दैट COH बॉन्ड, बिकॉज हियर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मोर, हियर देर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH ग्रुप एंड OET ग्रुप बोथ, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी। जहां तक मिथेनॉल के COH बॉन्ड का सवाल है, इसमें कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्यों? अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है तो ये लॉन्गेस्ट होगा, तो सबसे ज्यादा लंबाई वाला बॉन्ड कौन सा होगा? मिथेनॉल। सबसे ज्यादा लंबाई वाला बॉन्ड होगा मिथेनॉल के अंदर, उसके बाद कौन सा होगा? पैरा इथॉक्सी फिनॉल, ठीक है ना, और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें से? फिनॉल। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही? 2 इज द आंसर।